मुंडका विधानसभा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, 2020 का जो चुनाव हुआ था मुंडका विधानसभा में क्या हुआ था, यहाँ पे आप देखेंगे धर्मपाल लाकड़ा आम आदमी पार्टी के, जिनको 90,293 वोट मिले थे। वहीं हम बात करें आजाद सिंह भारतीय जनता पार्टी के, 71,135 वोट मिले थे। 2020 का चुनाव परिणाम हम आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी बात जो लोग ये बोल रहे हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं कि बहुत सारे जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, जिनको ये मालूम है कि 2025 के चुनाव में आम आदमी पार्टी मजबूत नहीं लग रही है, इस वजह से कुछ नेताओं ने सीधे तौर पर मना कर दिया है कि वो 2025 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो हम मुंडका विधानसभा में क्या होने वाला है, यहां पर हमने जनता से क्या सवाल किया है, तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर जो हमने लोगों से सवाल किया है जनता में कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में मुंडका विधानसभा क्षेत्र की जनता आम आदमी पार्टी के किस नेता को सबसे अच्छा उम्मीदवार मानती है। यानी दो उम्मीदवारों के नाम दिए हैं जो वर्तमान विधायक हैं यहां से, और जहां पे अभी आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट को उतारा है आप देख पा रहे होंगे जो वर्तमान विधायक है आम आदमी पार्टी के, इनको ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं जसबीर कराला जिनको अभी मैदान पर उतारा गया है, 20% क्षेत्र की जनता मानती है कि एक बेहतर कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। वहीं दूसरा सवाल हमने जनता से किया, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमने सवाल किया है कि इस क्षेत्र में किस पार्टी को इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो वोट करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ के लोगों का कहना है कि 57% 57% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग वोट कर रहे हैं। वही आम आदमी पार्टी को 29% लोग पसंद कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को 14% लोग पसंद कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे बहुत बड़ा उलटफेर। इस प्रकार से अगर हम सभी समीकरणों को मिक्स कर देते हैं तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में जो स्थिति है वो मजबूत लग रही है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मुंडका विधानसभा की, मुंडका विधानसभा में जहां पर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा 57% लोग पसंद कर रहे हैं, 57% लोगों का मानना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता वो वोट करेगी। तो दोस्तों अभी तक हम आपको बता दें कि हमने 4 विधानसभा की बात करी है, 4 विधानसभा में, पहली विधानसभा है नरेला, दूसरी विधानसभा है तिमारपुर, तीसरी विधानसभा आदर्श नगर, चौथी विधानसभा मुंडका। चारों विधानसभा में हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी पहली पसंद लोगों की बन रही है, लोग 2025 के चुनाव में ये मान के चल रहे हैं कि इन चारों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति हो सकती है। दूसरा जो यहाँ पे सबसे बड़ा कारण ये आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने जो बड़ी गलती की है, वर्तमान कैंडिडेट को चुनावी मैदान पर नहीं उतारा है, उनकी जगह पे जो दूसरे कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट को चुनाव में उतारा है, जिस वजह से जो क्षेत्र की जनता है वो पसंद किसी और को कर रही थी। लोगों का मानना था कि जो पुराना कैंडिडेट है, जो वर्तमान विधायक है, ओल्ड इज गोल्ड लोग मान के चल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो बदलाव किया है मुझे लग रहा है कि बदलाव कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बन रहा है कि जो 4 विधानसभा सीटें हैं वो सीटें आम आदमी पार्टी के हाथ से निकलती दिख रही हैं।